जयपुर नगर निगम चुनाव 2020 का महाकवरेज, किसको मिलेगा ग्रेटर, किसको मिलेगा हेरिटेज, कौन होगा आपके वार्ड का पार्षद, क्या होंगे चुनावी वादे। जयपुर नगर निगम की हर चुनावी हलचल पर हम रखेंगे पैनी नजर, करेंगे रिपोर्टिंग हर वार्ड से सीधे आप तक, सत्ता की सरकार मरुधर बुलेटिन के साथ। नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं सलोनी कासलीवाल आप सबके साथ। आज हम वार्ड नंबर 18 में उपस्थित हैं विद्याधर शर्मा जी के यहाँ। आइए जानते हैं इस वार्ड से इनकी क्या क्या दावेदारियाँ हैं। जी सर, आपकी क्या दावेदारियाँ हैं इस वार्ड में? मैं विद्याधर शर्मा वार्ड नंबर 18 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता चुनाव लड़ रहा हूँ। सबसे पहले मैं मेरा परिचय देना चाहूँगा कि मैं इस वार्ड के अंदर 25 साल से यहाँ पे सेक्शन क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ। एनके पब्लिक स्कूल इस क्षेत्र का सबसे नामी स्कूल है, जहाँ पर मैं अभी प्रधानाचार्य पद पे कार्य कर रहा था, जहाँ से रिजाइन देकर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और इस क्षेत्र में करीब 20,000 बच्चों को हमने कड़ी मेहनत से और यहाँ से बच्चों का भविष्य बनाया है और राष्ट्र निर्माण किया है। साथ में मेरा जो मुख्य मुद्दा था, भाजपा का मंडल उपाध्यक्ष था और वहाँ पर मेरी पूर्ण दावेदारी थी कि टिकट श्योर मुझे मिलेगी, परंतु राजनीतिक षड्यंत्र के कारण से मेरी टिकट काटी गई। लॉकडाउन से पहले मुझे टिकट की श्योरिटी दी गई थी कि निश्चित रूप से आपको टिकट दी जा रही है, आप अपना प्रचार प्रसार करें। और यहाँ के प्रत्येक लोगों से मेरा जुड़ाव है और मेरा जो व्यवहार और मेरी ईमानदारी और मेरा जो यहाँ अनुशासन का जो मुद्दा मैंने उठाया है कि बच्चों के अंदर एक अनुशासन का पाठ पढ़ा के और प्रत्येक घर के अंदर मैंने एक अच्छा नागरिक बना के और तैयार किया है, जहाँ पर अनेक चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, इंजीनियर यहाँ तैयार किए हैं। उसी बेस के ऊपर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। पार्टी ने टिकट काटी है, जनता ने मेरी टिकट नहीं काटी है और जनता मुझे नगर निगम पहुँचाएगी और उसके आधार पर इस वार्ड का विकास करने का मेरा जो मेन मकसद है, लोगों से त्याग पत्र देकर और वार्ड के विकास के लिए मैं यहाँ पर पार्षद प्रत्याशी के रूप में मेरा भाग्य आजमा रहा हूँ। जिसके अंदर मैं बताना चाहूँगा कि वार्ड के अंदर जब हमने सर्वे किया तो यहाँ पर बहुत सी सड़कें टूटी फूटी हैं, पानी की निकास की व्यवस्था नहीं है, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर पानी भर रहा है, बरसात के समय वहाँ से लोग निकल नहीं पाते हैं। उन लोगों की तकलीफ को जब सुना तो बहुत दुख हुआ कि यहाँ के जो पहले पार्षद रहे उन्होंने यहाँ पर केवल पैसे लूटे हैं और वहाँ से बजट पास करके अपना घर बनाया है और दल बदलू पार्षद रहे हैं, जहाँ पर एक पार्टी प्रत्याशी होने के बाद में अपना चुनाव चेंज करके और नगर निगम का बोर्ड तोड़कर और पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे प्रत्याशियों से बहुत खपा यहाँ के लोग और मैं कहना चाहूँगा यहाँ के नागरिकों को कि ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए कि दर बदलों को हम वापस नहीं लेके आएँ और ऐसा उम्मीदवार चुने जो एक स्वच्छ छवि का हो, कर्मठ हो और अपने ड्यूटी को जिसने 25 साल से कंटिन्यू एक शिक्षक के रूप में निभाई है और मैंने दिन और रात एक करके और स्कूल के साथ में जुड़ के और मेरी टीम को साथ लेकर और मैंने राष्ट्र निर्माण के लिए प्रयास किया है। मैं आज आपके मीडिया चैनल से कहना चाहूँगा कि जो काम मैंने पिछले 25 सालों में किया है, आगे भी वादा करता हूँ कि मैं 24 घंटे इस वार्ड को दूंगा और जो समस्या इस वार्ड की हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे नहीं हैं, कुछ वारदात होती हैं तो पुलिस को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और साथ में सड़कों का प्रॉपर यहाँ पर निर्माण नहीं है, यहाँ पर पेयजल की समस्या भी है, उन सब को मैंने ध्यान में रखा है, मैंने नोट किया है और लोगों से मैंने वादा किया है कि जैसे ही मेरे को आप आशीर्वाद देंगे और वहाँ नगर निगम पहुँचाएंगे और जैसे ही बजट आएगा तो सबसे पहले आपके समस्याओं का समाधान करूँगा और निस्वार्थ भाव से मैं आपके साथ लगा रहूँगा। वार्ड में आपने शिक्षा के अलावा क्या किया है? मैंने यहाँ पर शिक्षा के अलावा, हमारे स्कूल में प्रतिवर्ष एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है और उस कैंप के अंदर SMS हॉस्पिटल, जनाना हॉस्पिटल, सांगानेर के अंदर महिला चिकित्सालय और अगरसेन हॉस्पिटल, उनको हम इनवाइट करते हैं और स्कूल कैंपस के अंदर हमारे जो स्टूडेंट पढ़ के गए हैं उनको मोटिवेट करके और करीबन 450 से 500 यूनिट ब्लड इकट्ठे करते हैं और उसके बाद में ज़रूरतमंद व्यक्तियों को 24 घंटे की सर्विस देते हैं। जब किसी का कॉल आता है तो हम ये नहीं देखते हैं टाइम क्या हुआ है, हम उस व्यक्ति की हेल्प करते हैं क्योंकि जीवन से बड़ा कुछ नहीं होता है। इसके साथ में प्रधानमंत्री के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया गया उसके तहत भी हमने काम किया। मुरलीपुरा थाना जो रोड नंबर 1 से जो दादिका फाटक जाती है वहाँ पे ग्रीन कॉरिडोर है, उसकी स्थिति बहुत ख़राब थी। मैंने अथक प्रयास करके और हमारे स्कूल मैनेजमेंट के सहयोग से
जहाँ पे जेडीए में कई चक्कर लगाए, जहाँ की रेलिंग जो टूटी फूटी थी, आए दिन एक्सीडेंट होते थे, उसके लिए 15 लाख रुपए मैंने पास करवाए और उसका कंप्लीट नवीनीकरण करवाया। और मेरे स्टाफ के सभी साथियों का बड़ा सहयोग रहा, ग्रीन कॉरिडोर को हमने हरा भरा किया, जहाँ पर आज की डेट में 350 पेड़ कंप्लीट प्रिपेयर हो चुके हैं। आगे भी मेरा प्लान ये रहेगा, इस वार्ड को पर्यावरण के रूप में पूरा हरा भरा करना, प्रत्येक घर के सामने वृक्षारोपण करवाना, उसकी देखरेख की जिम्मेदारी देना, और मैं बखूबी उसकी देखरेख का काम भी करूंगा। और साथ में बताना चाहूंगा कि यहाँ के जो लोग हैं, मैंने देखा है कि कचरा जो होता है वो घरों के बाहर फेंक देते हैं। मेरे टीचर स्टाफ और मेरी जो टीम थी, हमने खुद जाके और वहाँ से कचरा उठा के पात्र में डाला है, और ये चीज़ लोग बता भी रहे हैं। और मैं लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इस वार्ड को एक स्वच्छ वार्ड में बना के रखूँगा। यहाँ पे कुछ वार्ड के लोग भी मौजूद हैं, आइए जानते हैं कि उन्हें इन प्रत्याशियों से क्या उम्मीदें। मैडम, मैं अमित चौधरी, एक्स मेजर हूँ मैं। तो विद्याधर सर, ये तो शिक्षक हैं ये, और इनको हमने ही ये कहा है कि आप शिक्षा का ये पेशा जो है इसको छोड़ के आप ये सेवा के क्षेत्र में आ पाइए। और जो बताया इन्होंने कि पेयजल की बहुत बड़ी परेशानी है, तो पेयजल हम चाहते हैं, प्लस जो जल भराव होता है, जो एक नंबर रोड जो है वहाँ पर जल भराव की बहुत बड़ी परेशानी है, वो हम चाहते हैं कि उसका समाधान हो। उसका पिछले 10 सालों में कोई समाधान नहीं हुआ है। आबादी बढ़ती जा रही है, क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही कम है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की बड़ी परेशानी है, तो अंदर का जो इंटीरियर इलाका है उसमें भी ट्रांसपोर्ट की सुविधाएँ हमें चाहिए, प्लस स्ट्रीट लाइट्स की काफ़ी प्रॉब्लम होती है, वो भी हमें उसका भी समाधान चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? मैं देवेंद्र सिंह। इस वार्ड में सबसे बड़ी समस्या ये है कि पार्टी प्रत्याशी जीतने के बाद में आम आदमी तक उसकी पहुंच नहीं है। आम आदमी को अगर मान लो किसी समस्या के समाधान के लिए प्रत्याशी के पास जाना है, जो जिसे हम जनता ने जीत कर उसे आगे तक पहुंचा है, लेकिन वहां तक हम लोगों की पहुंच नहीं है। मिलने के लिए जाते हैं, आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना, और किसी भी समस्या का आज तक कोई समाधान नहीं हो पाया। ये थे विद्याधर शर्मा, जिन्होंने अपनी दावेदारियां जो है हमारे सामने रखी। इसी के साथ देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।